कक्षा 9 के सभी विद्यार्थियों, आज अपने ना हिंदी का एक पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं जो आपको काफ़ी मदद करेगा वार्षिक परीक्षा में। ठीक है, जो हमारे बच्चे अभी पेपर देने जाएंगे ना विज्ञान का, उनके लिए ये पेपर है। बढ़िया से तैयारी करो। इससे पहले मैंने 3 पेपर आपको बता दिए बेटा, बड़ी रिसर्च के बाद बता रहा हूँ मैं तो ये सारी चीज़ें आपको। आइए शुरू करते। दाब बढ़ाने पर निम्न में से किसके आयतन में कमी होती है? तो दाब बढ़ाते हैं ना तो ठोस के आयतन में भी कमी होती है, द्रव के में भी और गैस के, तीनों के आयतन में कमी होती है। दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह क्या कहलाता है? अणु कहलाता है। ठीक है, तीसरे का जब कहा जाएगा ये दा ऑप्शन राइट। ठीक है, एक तत्व की परमाणु संख्या केंद्रक में स्थित किसकी संख्या के बराबर होती है? प्रोटॉन। बांध के जल में स्थितिज ऊर्जा होती है। किसी वस्तु की कार्य करने की जो दर है वो कहलाती है, किसी वस्तु की कार्य करने की दर को अपन कहते हैं शक्ति। ठीक है भैया, यहां से अपन देख सकते हैं, ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का रहेगा इतना, फिर ये ऐसा कुछ रहेगा आपका। अब यहां से देखते हैं रिक्त स्थान। रिक्त स्थान को ध्यान से समझेंगे और अच्छे से कंप्लीट करना है आपको। मैंने कहा ना अब की बार 90 पार, ये हमारा मिशन है। जिस बच्चे को इसमें शामिल होना है एकदम फ्री सारी चीजें बता रहे हैं। ठीक है, समस्थानिक जो होते हैं एक ही तत्व के परमाणु होते हैं जिनकी संख्या भिन्न भिन्न होती है। यहां पर अपन लिख लेते हैं समस्थानिक। सभी जीवों की मूलभूत इकाई है कोशिका। श्रव्य तरंगों की परास कितनी होती? 20,000 हर्ज तक। ठीक है, अगला क्या है? ठोसों की अपेक्षा द्रव में विसरण की जो दर होती है वो अधिक होती है। बर्फ का जो गलनांक होता है वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस या फिर केल्विन में अपन बोलेंगे ना तो 273 केल्विन। पदार्थों में संपीड़िता का जो गुण है वो प्रकाशिकी अवस्था में होता है। हो गया, इसके बाद में यहां से ये अपना हो जाएगा दूसरा। यहां पर देखिए कार्य की जो इकाई है वो क्या है? जूल है। रेखित पेशी की हम बात करें तो रेखित पेशी का आपका हो जाएगा ऐच्छिक पेशी। तंत्रिका ऊतक, तंत्रिका जो ऊतक है इसका आपका हो जाएगा न्यूरॉन। वेग में परिवर्तन की दर को अपन कहते हैं त्वरण। लाइसोसोम को अपन कहते हैं स्वाघात थैली। और ये 20 हर्ज से कम आवृत्ति आपकी आश्रव्य ध्वनियां आ जाएगी। यहां से हो गया ये। अब है एक वाक्य में उत्तर। कड़कनाथ किस जंतु की नस्ल है? मुर्गी की। आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम को। जड़ों एवं जल एवं लवण का संवहन किस ऊतक के द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा। वेग में प्रति सेकेंड होने वाली कमी को हम कहते हैं मंदन। सरल आवर्त की जो गति का एक उदाहरण देना है घड़ी के पेंडुलम की गति। गोखारू, गाजर, घास, मेधा, ठीक है, ये किसके उदाहरण है? खरपतवार के। खर हो गया इतना। चलिए इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बढ़िया से करेंगे। यहां से हो गया इतना। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिएगा। सत्य और असत्य है। अणुओं के बीच स्थान ठोसों में अधिकतम होता है। ठीक है, तो ये आपका सत्य है असत्य, तो ये बात की गलत बात है। दूसरा जो है ना मतलब वो सत्य रहेगा। तीसरा भी सत्य रहेगा। चौथा
भी आपका सत्य है, बल सदिश राशि है, और ये छठा जो है आपका ये असत्य रहने वाला है। हो गया इतना। चलिए इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर जो 6 है, यहाँ से अपन सॉल्यूशन देखते हैं बढ़िया से। ये आपका प्रश्न का पहले तो आप स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट फटाफट, ठीक है। केनाल किरणें क्या है? रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल का चित्र सहित हृदयक पेशी का नामांकित चित्र हो गया है। पादपों के सरल ऊतकों को कितने प्रकार में बांटा गया है? असमान गति की परिभाषा लिखिए। ये क्वेश्चन नंबर आपका 14 रहेगा। ये 15 द्रव्यमान और भार में अंतर, क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। ये 18 ये क्वेश्चन नंबर 19 ये 20 21 22 और ये 23 टोटल 23 प्रश्न है और 23 ही प्रश्न मैंने आपको बता दिए हैं। तो ये तो रहा आपका पेपर, चलिए इसको सॉल्यूशन को देखते हैं ना। चलिए यहां से क्वेश्चन नंबर 6 से अपन देखते हैं, यहाँ ध्यान से है ना, ये इसका थुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 में निक्षेपण किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर ये 7 का थुआ यहां पर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 यहां पर अथवा है। क्वेश्चन नंबर 9 ये थॉमसन का परमाणु मॉडल, यहां पर देख लीजिएगा रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल है। ये बोर के परमाणु मॉडल की व्याख्या करनी है तो ये क्वेश्चन नंबर 10 का थुआ हो गया है। हो गया इसके बाद में ये हो गया। हृदय जक पेशी का नामांकित चित्र, इसके बाद में ये इसका अथवा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 को आप देखिए, ये इसका अथवा। क्वेश्चन 13 जो है असमान गति की परिभाषा लिखिए। एक समान गति से आप क्या समझते हैं? स्क्रीनशॉट लेते हैं आप बढ़िया से, स्क्रीनशॉट लो, घबराना नहीं है ना। ये क्वेश्चन नंबर 14 है, बल का ऐसा ही मात्रक समझाइए। द्रव्यमान और भार में अंतर, न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम लिखिए। उत्प्लावकता से आप क्या समझते हैं? ये इसका थुआ है। अर्धसूत्री विभाजन क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 है, ये यहां से हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 ये क्वेश्चन नंबर 21 अणु और परमाणु में अंतर, जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत के 3 अभिग्रहित बिंदु लिखने हैं। हो गया। ये जंतु कोशिका का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाना है, पादप कोशिका का नामांकित स्वच्छ नामांकित चित्र बनाना है।